चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ लंका थाने में FIR दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि भोजपुरी गीतों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के खिलाफ लंका थाने में शिकायत दर्ज किया है। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि स्वर्ण जातियों के लक्षण पर जिस प्रकार से स्वर्ण जाति की महिलाएं के प्रति अभद्र और गंदे गाने का समावेश भोजपुरी गीतों में किया जा रहा है, उसके खिलाफ राजपूत कर्णी सेना ने अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में वाराणसी मंडल ने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के खिलाफ थाना लंका वाराणसी में तमाम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दिया है। आपको बता दें कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा गंदे गाने का रिकॉर्ड माना जा रहा है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन बहस छिड़ती रहती है। आपको बता दें कि बिहार में ऐसे तमाम कई बड़े सिंगर हैं जो गंदे गानों को जमकर प्रमोट करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ इस गंदे गाने को भोजपुरी दर्शक भी काफी तमाम सुनते हैं। इस पर सरकार को जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि काबर भजन तक को भी लोग गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके गाया जाता है। अब ऐसे में ये देखना है कि खेसारी लाल यादव पर यह कदम उठाने से भोजपुरी के छोटे गायकों पर कब कदम उठाया जाता है।